हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ से रिलेटेड, मधुमेह से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हैं शुगर की बीमारी से रिलेटेड उन सभी दवाओं को देखेंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन दवाओं का कितने डोज पेशेंट को दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, चाहे आप GNM कर रहे हो, ANM कर रहे हो या और अदर मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ कोई भी दवा अपने मर्ज़ी से ना लें। ये वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, आपके मेडिकल लाइन में यूज़ होने वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है, एजुकेशन पर्पज़ से बनाई जाती है। इसलिए कोई भी दवा अपनी मर्ज़ी से ना ले, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। तो चलिए जानते हैं उन सभी दवाओं को जो डायबिटीज़ के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो टैबलेट आती है वो है पायोग्लिट के नाम से, जो काफ़ी फेमस है दोस्तों अपने पायोग्लिट के नाम से। और आपको पायोग्लिट 30 के नाम से यह टैबलेट आसानी से मिल जाती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं वो है पायोग्लिटाजोन, जो IP यानी कि इंडियन फार्मेसी के द्वारा बनाई जाती है। और इस पायोग्लिटाजोन दवा का उपयोग Type 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि Type 2 डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है, या जो इंसुलिन बनता है वह ठीक से काम नहीं करता, जिससे हाई ब्लड शुगर होने के कारण हो जाता है, जिसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि इस पायोग्लिटाजोन का काम क्या है। इस दवा को दोस्तों दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है या सिंगल भी दिया जाता है। कहने का मतलब, यह दवा अपना इफेक्ट बेस तरीके से कैसे देगा यह डॉक्टर आपको खुद ही समझा देंगे कि यह दवा आपको कैसे लेनी है, किसी और टैबलेट के साथ लेनी है या फिर इस टैबलेट को सिंगल ही खानी है। बस आपको कॉम्पोजिशन याद रखना है कि इस कॉम्पोजिशन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। इस टैबलेट की डोज की बात करें तो इस टैबलेट को 30 mg पर डे दिन में एक बार लेना होता है। उम्मीद है दोस्तों आप इस टैबलेट का यूज आसानी से समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टैबलेट आती है ग्लाइसीफेस के नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन मेटफॉर्मिन होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी होती है, शुगर की शुरुआती स्थिति में दी जाती है। यह मेटफॉर्मिन Type 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज को ट्रीट करने में उपयोग किया जाता है। यह दवा काफी मददगार साबित होती है दोस्तों Type 2 डायबिटीज से आपको बचाने में। और नोट किया जाए दोस्तों, इस दवा को प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ जाने पर भी दी जाती है और यह सुरक्षित होती है प्रेगनेंसी महिलाओं में। डोज की बात करें तो 500 mg पर डे दिन में एक बार दिया जाता है। होप सो दोस्तों आप इस ग्लाइसीफेस टैबलेट को भी समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टैबलेट आती है ग्लिजिड 40 के नाम से, जिसकी कॉम्पोजिशन ग्लिकलाजाइड टैबलेट होता है। इस टैबलेट को दोस्तों Type 2 डायबिटीज में दी जाती है। यह एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है। यह टैबलेट इंसुलिन सिक्रेशन को उत्तेजित करता है। ग्लिकलाजाइड पनक्रियाज से इंसुलिन को बढ़ाता है। इस दवाई को लेने से वजन भी नहीं बढ़ता। इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि हमारे ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, हेडक, डाइजीनेस, वेट गेन जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। इसकी डोज की बात करें तो 80 mg पर डे दिन में एक बार या दो बार दिया जाता है पेशेंट के जरूरत के अनुसार। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी वो है ग्लाइनेज XL5 के नाम से, आपको मार्केट में मिलती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं वो है ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड दवाई दोस्तों जल्दी शुगर नियंत्रित
कर देता है। मान लीजिए किसी को ग्लिकोसाइड टैबलेट देने पर उसका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब डॉक्टर की निगरानी से ग्लिकोसाइड टैबलेट की जगह ग्लिपिजाइड टैबलेट देते हैं ताकि शुगर लेवल जल्दी से नियंत्रण में आ जाए। इस दवा को लेने से वजन भी कम नहीं होता। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि डायबिटीज के कुछ दवा लेने पर पेशेंट की वजन कम हो जाती है, पर ग्लिपिजाइड की टैबलेट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस टैबलेट से वजन मेंटेन रहती है और इस दवा का असर लंबे समय तक रहता है। और इस टैबलेट को 5 mg पर डे दिन में एक बार लेना होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। सबका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलिएगा दोस्तों, ताकि आपको बाद में दवाओं के नाम और कॉम्पोजिशन याद करने में आसानी होगी, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है डाओनिल के नाम से। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है वो है ग्लिबेनक्लामाइड। ग्लिबेनक्लामाइड का उपयोग दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में रक्त में मौजूद शुगर लेवल को कम करने के लिए किया जाता है, जो केवल आहार और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका यूज टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के लिए किया जाता है। यह दवा बहुत जल्दी शुगर कम कर देता है। इसका उपयोग तब करते हैं जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसकी डोज की बात करें तो 5 mg पर डे दिन में एक बार लेनी होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जीटेन के नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन है टेनिली ग्लिप्टिन होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात आप हमेशा नोट कर लीजिएगा कि आपको किसी भी दवा का एक्चुअल यूज इस कॉम्पोजिशन से ही पता चलता है कि आखिर कोई भी दवा किस बीमारी में दी जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप दवाओं का कॉम्पोजिशन जरूर याद करें। यही कॉम्पोजिशन आपको हेल्प करती है दवाओं को जानने में। इस दवा को दोस्तों दूसरी दवा के साथ कंबाइन करके खानी होती है। 20 mg पर डे दिन में एक बार खानी होती है। ये थी दोस्तों डायबिटीज के मरीजों में इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन दवाएं, जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आई हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।